फिर से आपके सामने तबले से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं चोगुन के बारे में। तो देखिए, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए मेरे चैनल पर, तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सर हमें चोगुन के बारे में बताया जाए। तो आपने दुगुन के बारे में हमें तो बता दिया, तो चोगुन को कैसे बजाना है? जो आपने हमें क्रिकेट का कायदा करवाया था, आपने उसमें एक गुन और दुगुन करवाई थी, तो उसमें हमें चोगुन भी करवाई जाए, तो चोगुन को कैसे बजाना है? यानी कि उसकी स्पीड को जब चार गुना कर दिया जाए तो उसको कैसे बजाया जाएगा। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि आपने जो क्रिकेट का कायदा पीछे किया था लहरे के साथ, तो उसको आपने चोगुन में कैसे बजाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक गुन की बात करेंगे, फिर दुगुन की बात करेंगे और फिर चोगुन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लहरे की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो लहरा है, मैंने अपने दूसरे मोबाइल पर इसको डाउनलोड कर रखा है। अब देखिए, डाउनलोड कहाँ से किया है? मैंने इसको परचेज नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं लगाए इसमें। मैंने यूट्यूब से इस वीडियो को निकाला और इसमें लिखा है कि बेस्ट लाइव लहरा इन विलंबित तीन ताल, तो इसको मैंने निकाला और इसकी जो स्पीड है वो 55 है। ए शार्प इसकी स्केल है, यानी कि पांचवा काला है इसका। तो इसको मैंने निकाला और इसको वीडियो को डाउनलोड कर लिया और मैं बिना नेट के इसे कभी भी चला सकता हूँ। और ये जो हमारा लहरा है ये 21 मिनट का है, 20 से 21 मिनट का, जिसमें आप 20 से 21 मिनट लगातार रियाज कर सकते हैं। तो कोई भी परचेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप दूसरे किसी मोबाइल को, अपने पेरेंट्स के किसी मोबाइल को या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं 20 मिनट तक। उसमें ये डाउनलोड कर लीजिए, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर जो लहरा है ये बहुत ही महंगा है, तो कैसे प्रैक्टिस करें? तो ये बहुत ही आसान तरीका, मैं भी ऐसे ही रियाज करता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक गुन को हम बजाएंगे क्रिकेट में, एक गुन को बजाना। सबसे पहले हम तीन ताल बजाएंगे इस लहरे के साथ। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से डिटेल से समझना चाहते हैं तो आपको ये बातें समझनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आप तबला नहीं सीख सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं लहरा लगा रहा हूं इधर और उसके साथ मैं पहले एक गुन में तीन ताल बजाऊंगा। तो देखिए कैसे, अब शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैंने बजाया तो ये था
एक गुण में तीन ताल, सबसे पहले इसी से ही आपने शुरुआत करनी है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर आपने जो तीन ताल बजाई, ये तीन ताल हमें नहीं लग रही थी, तो इसमें आप क्या बजा रहे थे? तो देखिए, हम जब बीच में बहुत सारा समय बच जाता है तो उसको भरने के लिए तीन ताल में हम अलग अलग बोल यूज कर लेते हैं, पर एक गुण में, क्योंकि स्पीड बहुत कम होती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ताल वही चल रही है, आप सीधे सीधे सिंपल भी बजा सकते हैं। अब कैसे बजा सकते हैं, देखिए वैसे आप रियाज कीजिए। तो देखिए शुरू करते हैं। हा भिन भिन हा सिंपल भी बजा सकते हैं। कैसे? धा धिन धिन धा, तो इसको सिंपल भी बजा सकते हैं। पर हम क्या करते हैं कि जब बीच में बहुत सारा समय बच जाता है तो उसको भरने के लिए और सुंदर बनाने के लिए बीच में बहुत सारे बोल लगा लेते हैं। कुछ भी एडिट कर सकते हैं, पर अभी आपने कोई भी एडिट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल इसको बजाना है। सबसे पहले तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है लहरे के साथ रियाज करते हुए। तो चलिए अब इसमें हम बजाते हैं एक गुण में, फिर हमारा जो कायदा, तिरकिट वाला कायदा, तो चलिए उसको बजाते हैं। तो ऐसे हम धीरे 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 चौगुन की तरफ बढ़ेंगे, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो देखिए एक गुण में कायदा। ये हो गई हमारी एक गुण। तो ऐसे आपने एक गुण में रियाज करना है, और इसके बाद जब एक गुण में बहुत ही अच्छा आपका रियाज हो जाए, यानी कि सेम लय में, समान लय में, तो उसके बाद आपने दुगुण में चलना है। अब दुगुण कैसे बजानी है? तो देखिए एक गुण के बाद आपने दुगुण बजानी है। तो अब कैसे बजानी है, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले एक गुण बजाऊंगा मैं, फिर दो गुण। रियाज किया,
दुगुन का रियाज। तो देखिए एक गुन भी हमारी हो गई और इसके बाद दुगुन भी हो गई। तो अब देखिए दुगुन, आप बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर दुगुन में थोड़ी सी समस्या आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, सबसे पहले तो अगर आपके बोल अच्छे ढंग से नहीं निकल रहे हैं तो फिर आप दुगुन मत बजाइए। सबसे पहले बोलों को अच्छे ढंग से निकालना सीखिए। और अगर आपके हाथों में, जैसे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं हाथों में उसको अकड़ाहट, जिसको जकड़न बोल देते हैं, उंगली में जकड़न होती है, दबा दबा कर जोर जोर से बजाते हैं या उंगलियां बहुत ज्यादा उसके ऊपर जोर लगाते हैं उंगलियों पर, तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आपने बोलों को निकालना है, फिर उसके बाद इसका रियाज करना है, तभी आप अच्छे ढंग से ये जो कायदा है इसको बजा पाएंगे। और बहुत ही सुंदर ये कायदा है। अब देखिए हमारी दुगुन हो चुकी है। अब देखिए सबसे पहले तो एक गुण आप बजाइए, जब तक आपकी एक गुण बहुत अच्छे ढंग से नहीं बज रही है तब तक आपने दुगुन की तरफ नहीं आना है। ये तो सीधा मैं आपको बता रहा हूं। और जब आपकी एक गुण हो जाए तब आपने दुगुन की तरफ आना है, और दुगुन का जब आपका अच्छे ढंग से रियाज हो जाए तब फिर आपने चौगुन की तरफ बढ़ना है। अब देखिए बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि सर दुगुन क्या है, चौगुन क्या है। तो देखिए हमारी जो तीन ताल है, जैसे उसमें 16 मात्रा की ताल है, उसके चार विभाग हैं, चार चार के बोलों के उसके एक एक विभाग है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अब एक गुण है तो उसमें क्या होता है, एक बोल पर एक मात्रा होती है, यानी कि एक मात्रा में एक ही बोल आता है। कैसे, देखिए दा दिन दिन, जैसे मैंने आपको बताया तो उसमें ऐसे ही चल रहा, वैसे ही आपका कायदा चला। देखिए कैसे धा ती धा गे, तो ऐसे यानी कि जिसमें आपका एक एक बोल आ रहा है तो वैसे ही आपकी बीट चलेगी, वैसे ही बोल आपके साथ साथ चलेंगे। अब जैसे दुगुन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, यानी कि एक मात्रा में दो बोल हो जाते हैं। अब जैसे कैसे, देखिए जैसे धा धिन, अब यहां पर हो जाएगा अब कैसे धा धिन धिन धा। अब देखिए यहां पर कितना हो गए, यहां पर दो मैंने ताली बजाई, इसमें चार बोल हो चुके हैं, तो ये जैसे डबल हो जाता है। अब वैसे ही जब चौगुन होती है तो एक मात्रा में चार बोल हो जाते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये बात आप ध्यान में रखें, जब तक आपके ध्यान में ये बात नहीं आएगी आप तबला अच्छे ढंग से नहीं बजा पाएंगे। तो इसलिए लय के ऊपर अगर पकड़ बनानी है तो सबसे पहले बीट को समझना पड़ेगा और बोलों को समझना पड़ेगा कि एक गुण क्या है, दुगुन क्या है और चौगुन क्या है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। तो चलिए अब चौगुन बजाते हैं। तो देखिए चौगुन को कैसे बजाना है, यानी कि एक मात्रा में चार बोल बजाने हैं। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। पहले मैं एक गुण बजाऊंगा, फिर दुगुन बजाऊंगा, फिर मैं चौगुन बजाऊंगा। तो देखिए Thank you.
तो ये हमारी हो गई चौगुन। अब देखिए एक मात्रा में चार बोल थे, दादी दागे नादा दरेड़ दादी दागे ते नगे ना दादी दागे नादा दरेड़ दादी दागे ते नगे ना दादी दागे नादा दरेड़ दादी दागे ते नगे ना दादी दागे नादा दरेड़ दादी दागे ते नगे ना दा। तो ये क्या था, एक मात्रा में चार बोल थे, तो यानी कि उसकी चौगुन हो गई, यानी कि चार गुना उसकी स्पीड बढ़ गई। तो ये आपने ध्यान में रखना है, तो ऐसे ही आपने रियाज करना है। तो बहुत सारे दोस्त पूछते थे कि सर चौगुन में रियाज कैसे किया जाए, तो चौगुन में ऐसे ही रियाज होता है। और जब तक आप चौगुन को समझेंगे नहीं, दुगुन को समझेंगे नहीं, एक गुन को नहीं समझेंगे, तब तक आप कोई भी लय में अच्छे ढंग से तबला नहीं बजा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले लहरे की स्पीड को समझे और उसके साथ सिंपल सिंपल पहले एक गुन में सारे बोल बजाना सीखें। जब आपके दिमाग में वो लय बैठ जाएगी, वो बीट बैठ जाएगी और वो स्पीड बैठ जाएगी, तो फिर उसके बाद आप बड़ी ही आसानी से दुगुन और चौगुन बजा सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर कीजिए वीडियो के नीचे। मैं कोशिश करूंगा आपकी जो समस्या है या आपका प्रश्न है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लें, ताकि मेरा जो हौसला है हमेशा बढ़ता रहे कि आपको मैं कुछ हर बार कुछ नया सिखाता रहूं तबले में, और आप बहुत ही आगे तबले में बढ़ें और मेरी जो शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।